रहीम अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों मेरे पास इको सोलर इन्वर्टर आया है 1.2 KVA, और 3 फॉल्ट। हर सोलर इन्वर्टर का 3 फॉल्ट अपना अपना होता है। मैं सिर्फ इसलिए हर सोलर इन्वर्टर की वीडियो आपसे शेयर कर रहा हूँ कि यार 3 फॉल्ट जो आता है वो किसी इन्वर्टर की FET का आता है, किसी की पावर सप्लाई का आता है, किसी की किसी चीज़ का आता है, किसी की किसी चीज़ का आता है। तो ये देखें, इसमें भी जो कुछ फॉल्ट आ रहा है ऐसा ही आ रहा है। मैं आपको ये देखें चेक करवा देता हूँ। ये देखें 299 वोल्टेज इसने आउटपुट दिए है और 03 का इसने एरर दिया। मैं इसे ऑफ़ करता हूँ। ऑफ़ करने के बाद दोबारा ऑन करता हूँ तो आप गौर रखिएगा, 12.8 वोल्ट बैटरी में शो करवा रहा है। ये 12.8 वोल्ट बैटरी में शो करवा रहा है। और के वोल्टेज पे इसे देखें 300 वोल्ट, ये 190 वोल्ट आउटपुट देने के बाद ये देखें रेड लाइट और 03 का एरर दे रहा है। इसमें बोर्ड कुछ ऐसा है, आपको दिखाता जाऊं। और फॉल्ट मैं इसमें देखने वाला हूं कि कहां पे फॉल्ट आ रहा है, किस चीज़ पे फॉल्ट आ रहा है ये 03 का। तो मैं चेक करता हूं दोस्तों इसका बोर्ड, बोर्ड चेक करने के बाद फिर आपसे शेयर करूँगा। पहले मैं देखता हूँ कि इसमें फॉल्ट किस चीज़ का 03 आ रहा है, ठीक है दोस्तों। इसके मैंने ये चेक किए हैं मॉस्फेट बड़े जो हैं, ये चेक किए हैं, ये ओके हैं मॉस्फेट। तो इसका मकसद ये हुआ कि अगर तो ये मॉस्फेट ओके हैं तो ये देखें रीडिंग जो है ये बेस्ट रीडिंग दे रहे हैं। इसकी इतनी आती है, ये जो बड़े लगे होते हैं ना, ये बड़े भी दोस्तों K4115 भी होते हैं और K3870 भी होते हैं, 2611 भी होते हैं। तो ये तो यानी कि ठीक रीडिंग दे रहे हैं। अच्छा, इसकी मैंने ब्रिज भी चेक की है, वो भी ठीक रीडिंग दे रही है, ओके की रीडिंग दे रही है। तो फिर इसका जो शक आ चुका है वो आ चुका है दोस्तों इसके IC के ऊपर। मैं इसका ये निकाल लूँ मीटर वगैरह, ये जो ना फिर इसका जो ड्राइव नहीं बना रहा ना दोस्तों, इसमें IC लगा होता है ये वाला, ये छोटा IC लगा होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ जूम करके, ये वाला लगा दोस्तों, ये है 3843। तो इसके साथ तो 358 लगा हुआ है, लेकिन जो इसकी ड्राइव बनाता है ना ये वाला, इससे पहले मैं इसके साथ जो ये SMD ट्रांसफर वगैरह लगे हुए हैं ये चेक करूँगा। और ट्रांसफर चेक करने के बाद जो है ना इसका IC वो रिप्लेस करते हैं दोस्तों। IC रिप्लेस करने के बाद इसको चेक करेंगे ऑन करके। फ़िलहाल मैं इसका जो ये वाला IC है ये निकालता हूँ, क्योंकि अगर MOSFET डेड होते ना, ये देखें ये जेन्युइन लगे हुए हैं जो कंपनी ने लगा के दिए ना, ये वही लगे हुए हैं। तो अब मैं इसका निकालूँगा IC। तो दोस्तों IC इसका चेंज करते हैं, IC चेंज करने के बाद इंशाल्लाह आपसे वीडियो शेयर करता हूँ, ठीक है जी। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों ये देखें, मैंने इसका जो IC था ये दोनों तरफ शोल्डर भर के ना दोस्तों ये बड़ी आसानी से निकल आता है, ठीक है। और दूसरा मैंने वो रिप्लेस कर दिया। ये आप भी ऐसे ही निकालना चाहते हो तो ये बहुत आसानी से निकल आता है। और शोल्डर जो है आप इसके ऊपर भरोगे दोनों साइडों से और दोनों साइडें हीट करोगे तो इंशाल्लाह ये बाहर काफ़ी से बड़ी आसानी से निकल आता है, ठीक है। और अब मैं इसको करने लगा हूँ वॉश। ये दोस्तों वॉश करके आपने चेक करना है कि कोई ना कोई जो टांका है ना वो ना पॉइंट जो टांगे हैं इसकी वो आपस में क्रॉस ना हो, ये तसल्ली किया कीजिए। और अब इसे लगाते हैं IC चेंज करने के बाद फ़ैन, फैन लगाने के बाद इसको लगाएंगे डिस्प्ले। और दोस्तों ये आ गया बटन RG। अब इसे करते हैं ऑन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये सप्लाई मैंने दे दी इसे। अब चेक करते हैं कि ये फॉल्ट दे रहा है या नहीं दे रहा। ये देखें माशाल्लाह से दोस्तों, ये कोई मॉस्फेट मैंने चेंज नहीं किया किसी किस्म का, मॉस्फेट वही चल रहे हैं। 228 वोल्ट आउटपुट इसने दे दिए हैं। और ये देखें आपके सामने बिल्कुल ये माशाल्लाह ओके हो चुका है 100%। अब मैं इसके ऊपर लोड भी चेक करूंगा और इसकी चार्जिंग भी चेक करूंगा और इसके एम्पेयर भी चेक करूंगा। ये चेक करना ज़रूरी है दोस्तों कि ये कितने एम्पेयर दे रहा है बैटरी को, तो तसल्ली करना ज़रूरी दोस्तों। तसल्ली से ये होता है कि मेरे पास जो सेट आते हैं ना दोस्तों,
वो आते हैं, कोई बहावलपुर से आता है, कोई लाहौर से, कोई फैसलाबाद से, कोई सियालकोट से, तो इतनी दूर दूर से आते हैं। तो तसल्ली करने का मकसद ये है दोस्तों कि आप, मैं यहाँ से इसकी तसल्ली करूँगा इंशाल्लाह, इसके ऊपर लोड भी डाल के चेक करूँगा और इसके एम्पेयर भी चेक करूँगा और इसकी सेटिंग भी चेक करूँगा और इसकी फुल जो बैटरी की फुल है ट्रिपिंग भी चेक करूँगा, ये कितने वोल्ट पे फुल कर रहा है। तो ये देखें दोस्तों, मेरे पास ये सेट आया था माशाल्लाह से और मैंने ओके किया। ये 1.2 kV है, फॉल्ट आपसे शेयर किया, ये 0.3 का फॉल्ट दे रहा था। तो ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल का विज़िट करें, इंशाल्लाह आपको ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो देखने को ज़रूर मिलेगी। और नेक्स्ट वीडियो आपसे जाना चाहता हूँ दोस्तों, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।